सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक प्लान के बारे में। प्लान है एरिकानाथ। तो ये रहा गाइस तामुल, आप देख सकते हैं ये एरिकानाथ फ्रूट है। अब डायरेक्ट सॉइल पे कैसा, मतलब आप ग्रो करवा सकते हैं इसको, कितना मांस लगता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कुछ वहाँ पे कुछ प्लांटेशन करके रखा था, तो वो बेसिकली 1 ईयर 8 मंथ्स ऐसे हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड गाइस, इन दिस वीडियो आई बी गोइंग टू टॉक अबाउट एरिकानाथ प्लांट। कॉमनली इसको रिफर किया जाता है यहाँ पे बेटलनाथ। मैं आज बेटलनाथ के ऊपर, इसका जो पौधे कैसे उगवाता है, प्लांटेशन कैसे करना चाहिए, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बात करूँगा। एंड आपको दिखाऊँगा कि आपको मतलब कैसे ग्रो करना चाहिए सॉइल पे, इसका प्रोपगेशन कैसे करता है, यानी ग्राफ्टिंग मेथड, या कैसे जर्मिनेट किया जाता है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, प्लांटेशन करके भी दिखाऊंगा, एंड इसका जो इम्पोर्टेंस है हम लोग का यहाँ पे जो है वो भी बताऊंगा। तो गाइस, बेतलना जो बेसिकली हम लोग के यहाँ लोकली बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत की लाइट रिचुअल में, कस्टम में, ट्रेडिशन में यूज़ करते हैं। जैसे कि रिचुअल में होते हैं लाइट, कुछ पूजा होते हैं, तो उस पर बेतलनाथ एंड बेतल लीफ जो है यूज़ किया जाता है। जब हम किसी के घर पे विजिट करते हैं, हम लोग को डिनर या लंच के बाद ये ऑफर किया जाता है बेटल लीफ के साथ। बहुत सारा प्रकार का यूज़ है। बात तो कर लिया, अभी बता दिया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है या बेटलनाथ का यहाँ पे हम लोग का लोकल प्लेस में। अभी मैं हाउ टू जर्मिनेट दिस बेटलनाथ सीड, तो उसका मैं अभी प्रोसेस बताऊँगा। लोग दो दो तरीके के मेथड यूज़ करते हैं। एक प्रोपगेशन ऑफ सीड, जो डायरेक्ट सॉइल पे डाल के वो ग्रो किया जाता है, इसका जो पौधे जो है उगवाते हैं, एंड एक जो है ग्राफ्टिंग मेथड। तो मैं बेसिकली आज आप लोग को दिखाऊंगा, आज मैं डायरेक्ट वो सॉइल पे जो, तो ये मेरा यहाँ पे कुछ है, तो उसको हम होटन बोलते हैं। तो ये होटन में आज मैंने फ्रेशली कुछ बेटलनट, ये या टामुल बोलते हैं हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, इसको सीड जर्मिनेशन के लिए देंगे। लेट्स सी गाइस, हम इसको डायरेक्ट प्लेस करेंगे सॉइल पे, तो उसको टाइम लगेगा सीड वो जो पौधे आने में, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 2 मंथ्स ऐसा। इसके जो पौधे हैं कैसे मतलब प्लांटेशन करना चाहिए, आपको दिखाने वाला हूँ अभी प्लांटेशन करके। तो चलिए गाइस, दिखाता हूँ सीड का जो प्लांटेशन जो है, जर्मिनेट करके कैसे वो प्लांटेशन किया जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मैं प्लेस करने जा रहा हूँ एक नया जगह पे, जहाँ पे मैं प्लांटेशन करना चाहता हूँ। ये प्लान मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, ये पौधे। जब भी आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको सॉइल लेना पड़ेगा, इसे मतलब रिलोकेट करते हैं तो ऐसा सॉइल लेना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ है, मैं आपको प्लांटेशन करके आप भी दिखाऊंगा। सो लेट्स गो गाइस। अभी इसको मैं यहाँ पे प्लांटेशन करने वाला हूँ। ये देखिए, मतलब यहाँ मेरा नी टक हो जाता है, इसका गहराई। तो इसका गहराई ज़्यादा देने से मतलब अच्छा है कि उसका जो रूट है नहीं तो निकल के आ जाता है, जब वो चीज़ भी दिखाऊंगा मैं। रूट जो है बाहर निकल के आता है। हमने करेक्शन कर लिया अभी, इसलिए आपको थोड़ा डीपली डिग करना होगा जब आप प्लांटेशन करते हैं, ताकि ऐसा रूट बाहर पे ना हो। ये फ्रूट तो बेर कर रहे हैं। सॉइल जो है अपर लेयर सॉइल आप दीजिए पहले। जब भी आप प्लांटेशन करते हैं, इसको स्ट्रेट प्लांटेशन करना है आपको, तो देखना है आपको आपको सीट कैसा वो जर्मिनेट किया जाता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। तो गाइस, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि सीट कैसा जर्मिनेट किया जाता है। ये है नॉर्मल जो फ्रेश सीट है, और इसको मैंने कुछ दिन पहले थोड़ा वो मतलब बाहर पे रखा था। आप देख सकते हैं कि ये ऐसा देना है आपको, और इसका जो गैप है आपको एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर या ऐसा कुछ गैप रखना है। पौधे जब बड़ा हो जाएगा तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जो मिट्टी तो लेना है आपको, इसलिए आपको थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। तो आपको बस ऐसे जस्ट कवर कर देना है, आपको रख देना है इसको। तो ऐसे ही करना है गाइस। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे, ये डिजर्ट प्लेस है, तो यहाँ पे बहुत सारा अभी तो बस आप लोग को दिखाया है ये चीज़। आज के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। आपको अगर कुछ सजेशन देना है मुझे, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको कुछ शेयर करना है, कुछ आइडिया वगैरह कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा एंड अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
एंड ऑल्सो शेयर कीजिएगा इस पर। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, जाते जाते बेटल नट अगर प्लांटेशन करना है सीड ही खरीदिएगा, मतलब फ्रूट ये अराउंड 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। एंड अगर आप सिबलिंग खरीदते हैं ऐसा तो वो आपको कॉस्ट करेगा 10 रुपीज़ या 8 रुपीज़, और डिफर करते हैं ये मतलब साइज़ के ऊपर। जो सिबलिंग्स है या पौधे हैं इसका एज के ऊपर डिपेंड होता है, तो उसका जो प्राइस भी वेरी होता है। सीड जो है आप जर्मिनेट कीजिए सॉइल में डाल के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो बस यही है मेरा सजेशन गाइस आपको, एंड देन मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन गाइस बाय बाय। सॉरी वेट वेट वेट, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ओ गाइस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ पे कुछ सीड जर्मिनेट किया है, कुछ 3 का सीड है ये। कुछ दिन पहले यहाँ पे सॉइल पे डाला गया था एंड अभी थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो शायद इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ शायद नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन गाइस टेक केयर, बाय एंड सी यू गाइस। जाते जाते और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अब प्लास्टिक जो पॉलिथीन होता है इसका जो मतलब बैग होता है, तो वो यूज़ मत कीजिए आप जब भी आप कुछ सीड ग्रो करवाना चाहते हैं, तो क्योंकि वो जो वेस्ट हो जाता है। आप डायरेक्टली लैंड पे ही ग्रो कीजिए, आप जो कुछ सीड जर्मिनेट करवाना है या कुछ चीज़ करवाना है, तो थोड़ा तो वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है डिकम्पोज नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कि सीड जो है जर्मिनेट अगर करना है तो आप ऐसे ही जर्मिनेट कीजिए। थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्टेप तो ले सकते हैं हम खुद के तरफ से, ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोग से।